हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पिंडी रिएक्शन। आज फिर कोई वीडियो आपके साथ मिलकर देखने के लिए आपके सामने मौजूद हूं लुकमान और मैं हूं आदिल। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वो है व्हेन यू मीट योर नेबरहुड क्रश। सो व्हेन यू मीट योर नेबरहुड क्रश क्या होता था? मेरे से पूछ रहा तब क्या होता है? अभी तक एक्सपीरियंस नहीं हुआ। सो लेट्स सी, देख लेते हैं कि क्या होता है। बेहतर यही है। So guys, these are the figures from the last quarter. As you can see that our performance is going downhill, and these are not the kind of figures shareholders would love to have. So we need to pull up our socks and we have to work harder and harder. As our company encourages its subsidiary companies to participate in its group-wide business responsibility, as you can see it has been a dull phase, but things are looking up now. We have completed 40 years as a growing company. The company's corporate responsibility mission is to continue growing as a responsible organization that believes in enriching lives of this. तुम 102 वाली त्रिशा ही हो ना? Oh my God, you remember? Of course. जिस घर में बॉल जाने पर वापस नहीं मिलती थी उसे कौन भूल सकता है? हेलो एल, हाउ कम यू आर इन मुंबई? कंपेयर विद द लॉस ऑफ 154 मिलियन डॉलर। अरे आई हैव बीन हियर सिंस 5 इयर्स नाउ। एक आईटी कंपनी में एनालिस्ट हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आई आल्सो रिसेंटली मूव्ड टू मुंबई फॉर अ जॉब। लकीली सम ऑफ आवर ओल्ड क्लाइंट्स हैव स्टार्टेड कमिंग बैक टू अस। That's nice. Mumbai mein kaha? Commerce Business Park Goregaon. Now this is a huge loss, guys. That's like 10 minutes from my office. Really? That's amazing. So as you can see that this is an interesting opportunity. Mm. You just need to carefully strategize your next move. Exactly. Very carefully. Listen. मैं सुबह से एक बहुत पकाऊ सी मीटिंग में हूँ। जस्ट नीड टू गेट आउट ऑफ हियर। वांट टू मीट फॉर लंच? दैट्स क्रिटिकल, वेरी क्रिटिकल। समटाइम्स अ हेस्टी मूव कैन बी अ रिस्की मूव। या रिस्की मूव देखो। श्योर। बट दैट डजंट मीन थिंग्स वोंट वर्क आउट। इन पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल सिस्टम हैज प्रोवाइडेड। Cool then. यहाँ पास में एक बहुत अच्छा डोसे का स्टॉल है। I'll send you the address. Dosa? Cool. I'll see you at 1 then. Sure. See you. So guys, this meeting was very productive. Yeah. All the best for your next quarter. Very productive meeting was. हाय। तुमने तो डोसा स्टॉल बोला था ना? ये तो हाँ ये स्टॉल ही होता था पहले। फिर मैंने इसके इतने मसाले डोसे खाए, देखो आज कहाँ पहुँच गए। ओह माय गॉड, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन? 8 इयर्स ना? आई गेस इट्स बीन टू लॉन्ग यार। तुम भी जब से इंदौर से गई दिल्ली कभी वापस ही नहीं आई। हाँ आना ही नहीं हुआ कभी। वैसे भी इंदौर में कोई रिलेटिव्स नहीं थे ज्यादा। सो Fair enough. Valid point. वैसे मैंने तुम्हारे लिए ना ऑर्डर ऑलरेडी कर दिया, इफ यू डोंट माइंड। यहाँ का मसाला डोसा बहुत टेस्टी है। हाँ, no problem. वैसे तुम पी क्या रहे हो? ओह ये फिल्टर कॉफी, ये भी बहुत बढ़िया है यहाँ की। तुम्हारे लिए ऑर्डर कर दूँ? Actually, can I take a sip from your cup first? मुझे ना हर जगह की कॉफी पसंद नहीं आती। Go ahead. कॉफी स्नॉब। वैसे भी दो दोस्त एक प्याली में कॉफी पियेंगे तो उससे प्यार बढ़ता है। क्या बढ़ता है? प्यार बढ़ता है। Yes, of course I do. Yeah, this film.
प्रकाश अंकल के घर पे जब नया वीसीडी प्लेयर आया था तो हम सब बच्चों ने मिलकर साथ में देखी थी, रिमेंबर? तन में जब भी मेरे घर पे आता था ना तो हम लोग रोज रात को वो ऑन डिमांड सीन्स वाला चैनल होता था ना उस पर फोन करते थे और इस फिल्म के सारे सीन्स देखते थे। क्राइम मास्टर हुआ यार, तन में पागल था इस फिल्म के पीछे। कहाँ है वो पागल आजकल? यूएस में एमएस कर रहा है, फाइनल ईयर है। व्हाट आर यू सेइंग? या कितना टाइम हो गया? हाँ वो तो है। अरे लो डोसा भी आ गया। या थैंक यू। अरे सर एक सेकेंड, मैं तुम्हारे लिए भी कॉफी ऑर्डर करता हूँ। नहीं आई एम गुड, थैंक यू। सांबर का टेस्ट उससे क्लोजेस्ट है, वरना वैसा डोसा तो मुझे कहीं मिला ही नहीं यहाँ पे। वैसा डोसा डूड, इंदौर के खाने ने मुझे बाकी हर जगह के खाने के लिए स्पॉइल कर दिया है। एग्जैक्टली, मैं पिछले 5 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ तो पता है ढंग का पुआ खाने के लिए मुझे अभी भी घर जाना पड़ता है। ये लोग तो ऊपर से सेव तक ढंग से नहीं डाल पाते यार, और मुझे ये समझ नहीं आता हर चीज को पाव के अंदर क्यों डाल देते हैं। वैसे मैं बहुत अच्छा पोहा बनाती हूँ। अच्छा? सीरियसली? अच्छा ओके, बट सीरियसली मैंने कभी सोचा नहीं था कि कॉलोनी में जिस लड़के से मेरी इतनी कम बात होती थी वो मुझे इतने सालों के बाद मिलेगा, वो भी एक डेटिंग ऐप से। अरे यार क्या बताऊँ, तब की बात बहुत अलग थी, मतलब मैं हिम्मत ही नहीं हो पाती तुमसे बात करने की। क्यों? तुम्हें सही में आइडिया नहीं है ना? नहीं, क्या? तुम पढ़ाई में इतनी खोई रहती थी कि तुम्हारे अलावा ना पूरी कॉलोनी को, एंड आई मीन इट, पूरी कॉलोनी को पता था कि मुझे तुम पर कितना बड़ा क्रश था। Yep. मैंने तुम्हें सोशल मीडिया में भी ढूंढा था बट कभी मैसेज करने की हिम्मत ही नहीं आई, मुझे लगा तुम मुझे भूल गई होगी। बट व्हेन यू पॉप्ड अप ऑन द आइल ऐप एज अ रिकमेंडेड मैच तो मैंने सोचा कि ऐप की सुन लेते हैं। बट मुझे कभी कुछ ऐसे लगा क्यों नहीं? तुम्हें कभी ऐसा लगा नहीं? तुम्हें याद है हमारी कॉलोनी में एक रूल होता था, क्रिकेट खेलते हुए जो भी किसी के घर में बॉल मारेगा वही लेकर आएगा। तो मैंने एक गर्मी की छुट्टी में ना कम से कम 15 बार बॉल तुम्हारे घर में मारे थे, क्योंकि मैं जब भी तुम्हारे यहाँ बॉल लेने आता था ना तो अंकल से डांट तो जरूर पड़ती थी पर तुम्हें वो पढ़ते देखने का मौका मिल जाता था। और बताओ, रिमेम्बर डम्पशर आर्ट्स? हम लोग गार्डन में डम्पशर आर्ट्स खेलते थे, एंड एक बार तुम मेरी टीम में थी और तन्मय ने मुझे एक फिल्म दी थी तुम्हें गेस करवाने के लिए और सब हंस रहे थे एक्सेप्ट यू। हाँ मुझसे शादी करोगी? बहुत मारता साले हो गेम के बाद में। तुमने कभी कुछ बोला क्यों नहीं? यार कैसे बोलता, मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी। तुम इतनी स्टूडियस थी कि मुझे लगता था कि मैं कभी तुम्हारे टाइम टेबल में फिट ही नहीं हो पाऊंगा। बट आई वॉज समथिंग डिफरेंट।
इसमें वो जो एक क्वेश्चन आंसर्स वाला फीचर है दैट्स एक्चुअली क्वाइट थॉटफुल आई कैन एक्चुअली गेट टू नो अ पर्सन इन अ मच बेटर वे देन जस्ट थ्रू देयर बायोस राइट ट्रू दैट एज इन मुझे तुमसे मिलने से पहले ऐसे ही पता चला कि यू लाइक टू ईट आउटसाइड रादर देन ऑर्डरिंग सेम एज यू और तुम्हारे पापा कैसे मतलब अभी भी वो बच्चों की बॉल झड़पते हैं या थोड़ा बेटर हुए कमाल है इतने भी स्ट्रिक्ट नहीं थे मेरे पापा आर यू सीरियस कम से कम 10 यानी 15 मेरी टेनिस वाली विक्की बॉल उन्होंने आज तक वापस नहीं करी कभी कभी तो लगता था रीजन दैट आई डिडंट हैव द बॉल्स टू आस्क यू आउट क्योंकि तुम्हारे पापा कभी वापस ही नहीं दे रहे थे गुड वन आई मीन तुम लोगों ने वैसे उनका कुछ नाम रखा हुआ था ना हाँ क्राइम मास्टर गोगो आए हैं तो बॉल लेके ही जाएगा अरे नहीं वो मैं नहीं बुला था वो अच्छा वो लूजर बच्चे थे वो बुला रहे थे वेटर एक सेकंड लेके आओ यार मेरा भी कुछ नाम था ना तुम्हारा सो श्योर वेटर बिल लाओ यार प्लीज बिल 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 आके एक सेकंड लेट मी गेट दिस मिस्टर आपकी सारी नाल उठाई हुई टेनिस बॉल्स का हिसाब आज चुकता हो जाएगा मैम अब इतनी सस्ते में नहीं छूटने वाली ठीक है आपका हिसाब थोड़ा लंबा है इससे अच्छा तो कौन सा हम आज आखिरी बार मिल रहे हैं ओके तो आप कब मिलेंगे हम प्रॉपर इंदौरी पोहा खाने का मन है बिल्कुल सो नेक्स्ट सैटरडे देन तो फिर मैं अपनी ये आयल प्रोफाइल डिलीट कर दूं सैटरडे को घर पे आ जाओ पोहे के लिए फिर डिसाइड कर लेंगे डन Hi guys. If you enjoyed this video, please make sure you download Aisle. It's a community of the most beautiful Indian singles from all over the world. Okay, so. सबसे पहले जो एक ही मैसेज मिला इस वीडियो में आयल जरूर डाउनलोड कर लें बड़ा प्रोटेक्टिव रिलेशंस बनते हैं आपकी मीटिंग्स बोर नहीं जाएंगी लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट चीज हमें मिली जिस पे शायद फोकस नहीं किया स्टार्ट में क्या वो जो स्टेटमेंट्स आती थी ना हर एक पॉइंट के बाद क्रूशियल मोमेंट्स एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस थे उसको आप दोबारा देखें बार बार अपनी लाइफ में इम्प्लाई करें और आपकी जिंदगी में बड़ा फायदा होगा आगे उसका ओके तो ये रुकमान एक्सपीरियंस यहाँ पर कुछ बोल रहा है दोस वर वेरी क्रूशियल मोमेंट्स एक्चुअली यस यू कैन से सो आई बिलीव उससे आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं उस सिचुएशन से मैं सिर्फ इस बारे में बात नहीं करना मैं बात कर रहा हूँ पता नहीं कहाँ घुसते जा रहे हैं लोग ऐसी कोई बात नहीं बाय रहो ऑलराइट ऐसी कोई बात नहीं मैं जनरल बात कर रहा हूँ वेटिंग फॉर अ रिप्लाई हाँ है ना वो क्रिटिकल पॉइंट था और उससे पहले एक मैसेज ऐसा करना कि जिसके बाद एक मीनिंगफुल मैसेज आए मतलब वो क्रूशियल पॉइंट था कि जिस तरह से उसने यू नो गलत डायरेक्शन में बच्चों को गाइड कर रहा है इसकी बातों में ना जाए बिल्कुल वीडियो वाज वेरी गुड अच्छे से स्क्रिप्ट लिखा हुआ तो ये जो वीडियो है ये भी तो उनको डेटिंग ऐप की तरफ डाइवर्ट कर रही है मैं कौन सा कुछ नया काम कर रहा हूँ यार ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और इस वीडियो के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो मुझे कमेंट करके करें थैंक्स फॉर सजेस्टिंग मजे की वीडियो थी और बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी स्टार्ट में खासतौर पर इंसान को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो जिंदगी में काम आएगा इंफॉर्मेटिव बिल्कुल एक्सपीरियंस हो जाता है एग्जैक्टली सी यू इन नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर खुदा हाफिज़